तो सोचा क्या करना पड़ेगा, तो ये डिसाइड कर लिया. आई डोंट नो इट वाज अलाउड हियर इन द होटल. गाइस देयर इज अ टाइगर, माय गुडनेस, बाघ देखा मैंने अभी. आई एम सीरियसली नॉट श्योर मैं कहां तक जाऊं अब, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे तो अब रोड के ट्रैक्स भी काफी कम दिख रहे हैं यार. चले जा रहा हूं मैं 4x4 में लगा के, बट अब रोड पे जो है ना ट्रैक्स भी नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ बर्फ ही दिख रही है. तो आगे मुझे तो लगता है नहीं कि मैं चोपता तक पहुंच भी पाऊंगा, पता नहीं क्यों. आगे ओ माय गॉड, आगे जाना कितना इजी है मुश्किल है आई हैव नो क्लू. अब मैं आपको सही बताऊं तो ये सीन हो जाता है अगर 4x4 गाड़ी नहीं है ना तो. हर हर महादेव, हर हर महादेव. तो टाइम हो रहा है अराउंड 4:45, मैं उठ गया हूँ अब, और अब यहाँ से बस 15-1 मिनट में मुझे निकलने के लिए रेडी होना है. आई जस्ट थॉट ये कुछ खाने के लिए भी चाहिए, 5 बजे कुछ मिलेगा भी नहीं बाहर, तो कुछ डिफरेंट से ही प्लान हो गया अगेन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. और उसके बाद फिर हम यहाँ से बस निकल के पहुँचेंगे अपना चोपता, और वहाँ से फिर टुंगनाथ जो ऊपर है मंदिर, उसके लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होगी. सुना है वहाँ बहुत बर्फ़ है, बट देखते हैं कैसा रहता है. हर हर महादेव. तो सोचा क्या करना पड़ेगा, तो ये डिसाइड कर लिया. आई डोंट नो इट वाज अलाउड हियर इन द होटल, बट आई गॉट इट इनसाइड एंड कुकिंग दिस एंड देन गो टू ईट इट एज वेल. और फिर यहाँ से अपना निकल जाएंगे हम बस अब थोड़ी ही देर में. जय शिव शंभु शिव शंकर. करंट टेम्परेचर हो रहा है -1 इस टाइम पे, तो जो यहाँ पे है बाहर का. अभी मैं जहाँ टुंगनाथ धाम जाऊँगा वहाँ और कम मिलेगा मुझे आई एम श्योर. हर हर महादेव, हर हर महादेव. तो अब मैं यहाँ से निकलने के लिए रेडी हूँ. सारा सामान मैंने ऑलरेडी अपनी गाड़ी में रख दिया है, अब बस यहाँ से जाना है चोपता. 1.5 घंटा लगेगा, फिर वहाँ से ट्रैकिंग करेंगे तो शायद 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर जो चंद्रशिला है वहाँ तक की ट्रैकिंग डिफ़िकल्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ स्नो. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. मेरे सामने है बजरंगबली का छोटा सा मंदिर, तो वहाँ के आशीर्वाद लिया जाए. जय शिव शंभू, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, हर महादेव, जय शिव शंभू शिव शंकर. तो ये मेरे सामने बजरंगबली का मंदिर, जय शिव शंभू शिव शंकर. और उसके बाद में बात करूं तो ये रही अपनी सामने गाड़ी खड़ी हुई, और आई एम ऑल सेट नाउ टू लीव. तो बस अब चलते हैं यहाँ से और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में. हर हर महादेव. तो अब निकल चुका हूँ मैं यहाँ से चोपता की तरफ. टाइम लग जाएगा जैसे मैंने बताया अराउंड 1.5 घंटा या फिर 1.25 घंटे तक. अभी तो गाड़ी बिल्कुल गर्म नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत झटके मारे गाड़ी, बट अब निकल गए हैं यहाँ से, जल्दी पहुँच जाएं और देखते हैं वहाँ जाके हाल क्या होता है. हर हर महादेव. अभी एक बात ही सोच रहा था कि जैसे अभी टाइम हो रहा है अराउंड 5:45, तो मुझे पता है आधे घंटे में उजाला हो जाएगा, तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं लग रही है यहाँ पे गाड़ी अंधेरे में ले आते हुए. बट अगर यही टाइम बज रहा होता रात के 12, तो शायद मैं भी एक बार को सोचता कि मुझे इस रास्ते में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर मेरे पास पूरी रात थी काटने के लिए अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए तो. पर अभी मुझे पता है 1.5 घंटे में ही उजाला हो जाएगा, तो इसलिए जो टेंशन है वो अपने आप उसका लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है कि आपको पता है कि थोड़ी देर की बात है. टाइगर, माय गुडनेस, बाघ देखा मैंने अभी. कैन यू इमेजिन, ओ माय गॉड भाई, ये तो अनबिलीवेबल हो गया. रिकॉर्डिंग इज ऑन. मुझे आइडिया नहीं है कि कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ था, वो बाघ नहीं था,
वो लेपर्ड होता है बेसिकली, छोटा होता है बाघ से, वो देखा था। तो यू टर्न लेके वापस जा रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ देखना फॉर श्योर दोबारा से। आई डोंट नो अब वो दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बाघ है, मतलब बाघ नहीं है, जो भी उसको गुलदार बोलते हैं, तो हो सकता है वो भाग गया हो डर के, जो भी है। दिखा था, एक बार और दिख जाए। इन रस्तों से मैं बहुत आया हूँ, बहुत, और बिलीव मी मैं यूजुअली किस टाइम पे आया हूँ रस्तों से, दिन में। तो दिन में तो ऑब्वियसली मैं गाड़ी से भी बहुत बार उतरा हूँ, और मुझे कभी ऐसे लेपर्ड वेपर्ड दिखा नहीं था। यहीं पे मुझे दिखा था लेपर्ड, अब नहीं है वो इस टाइम पे यहाँ। तो दिन में भी मैंने लेपर्ड को यूजुअली देखा है, नहीं देखा है आई मीन, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं तो दिन में भी यहाँ कितनी बार उतरता हूँ जगह जगह, तो अब मुझे थोड़ा सा ये सोच के लग रहा है कि ऐसी आइसोलेटेड जगह पे अगर आप उतर रहे हो तो हाउ डेंजरस इट कैन बी। क्योंकि जो मैंने अभी देखा, आई विश कि मेरे डैश कैम में वो कैप्चर हुआ हो, बट जो मैंने देखा भाई, आई मीन पहले भी देख रखा मैंने एक बार, बट हाँ मैं यही सोच रहा हूँ इन रस्तों में तो मैं कितनी बार उतरा हूँ नीचे, नॉर्मली बहुत नॉर्मली मैं इन रस्तों में उतरा हूँ नीचे। तो आज मुझे जो दिखा था तो यार वो एक्साइटिंग, बट एग्जैक्टली सेम चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि दिखा एक्साइटिंग भी था, बट कितना डेंजरस हो सकता है ये सब। तो अब हम वापसी अपने चोपता और टुंगनाथ वाले रूट पर ही हैं, आगे से यू टर्न दोबारा ले लिया था। आई विश कि कुछ ग्लिम्स तो एटलीस्ट मेरे डैश कैम में कैप्चर हुई हो। अनफॉर्चुनेटली मेरा डैश कैम उस टाइम पे ऑफ था, और मैंने जैसी ऑन किया तो वो भाग रहा था, अदरवाइज बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से दिख जाता। हर हर महादेव। तो बर्फ़ के ट्रेसेस हमें दिखने शुरू हो गए हैं जगह जगह, आई एम श्योर ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होगी। अगर यहाँ से बर्फ़ के ट्रेसेस दिख रहे हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो गाइस बर्फ जो है ना अब और ज्यादा ज्यादा दिखती जा रही है, और हम ऊपर चोपता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जय भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी सब बढ़िया रखें, अच्छे से रखें। थोड़ा स्टनिंग है, थोड़ा स्केरी है, थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि रोड पे बर्फ बहुत है और मैं अपना गाड़ी लेके चले जा रहा हूँ आगे। गाड़ी का मुझे टायर प्रेशर कहीं रुक के कम करना पड़ेगा फॉर श्योर, वरना गाड़ी फिसलने का डर रहता है। बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ही ज़्यादा, अब दिखती जा रही है बहुत अच्छे से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बर्फ पड़ी हुई है बहुत ही ज़्यादा रोड पे, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, गाड़ी में आग काँप रहे हैं। आई विश मुझे ग्लव्स लेके आने चाहिए थे, मैं ग्लव्स लेके आता। चलाने को मैं हीटर चला सकता हूँ, बट हीटर चलाने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं,
थोड़ा उसको चलाने से फिर ऑक्सीजन लेवल कम सा लगता है गाड़ी के अंदर, फिर शीशे खोलोगे और अब मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल ही चलने को तैयार नहीं है और मुझे अब लगाना पड़ेगा इसमें 4x4 क्योंकि गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ रही। अब मैंने इस पे 4x4 लगा दिया है, बिना 4x4 ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब 4x4 पे मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है और वो भी ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल कर रही है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मुझे लग रहा है मुझे 4x4 हाई लगाना पड़ेगा, लो पे तो नहीं चढ़ रही, हाई पे ठीक है, 4x4 हाई लगा दी मैंने। अब मैं अपनी गाड़ी आराम से लेके जा रहा हूँ एंड बिलीव मी थोड़ा सा है स्केरी, थोड़ा सा रिस्की भी है, आप आराम से चलो धीरे धीरे। आपको बिल्कुल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई स्पीड नहीं बढ़ानी, कुछ नहीं करना और आप 4x4 में चलते रहो धीरे 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 और गाड़ी जो है आपको ले जाएगी आपके डेस्टिनेशन तक। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आप देख सकते हैं कि जो स्नो है वो कितनी ज़्यादा है एंड विदाउट 4x4 तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाता क्योंकि गाड़ी जो है स्किड मारने लग गई थी बहुत बुरी तरह। अगर आगे स्नो कम होगी तो मैं दोबारा इसको 4x2 में कर लूँगा क्योंकि 4x2 जहाँ पे 4x2 चले तो बेटर ही है कि आप 4x2 ही चलाऊँ। तो अभी आगे रोड पे बर्फ़ नहीं है तो मैं अपना 4x2 कर सकता हूँ, तो मैं इसको 4x2 कर लूँगा। ये प्लेस है जहाँ पे हमने सितंबर में या अक्टूबर में आके खाना खाया था, उस टाइम पे यहाँ बर्फ़ बर्फ़ का तो कोई नामो निशान भी नहीं था, पर अब जो है बढ़िया वाली बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत अच्छी वाली, और ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा। चोपता अभी आया नहीं है, पहले चोपता आएगा जो 5 किलोमीटर दूर है शायद, और उसके बाद आएगा तुंगनाथ जहाँ पे हमें पहुँचना है। अरे आगे फिर बहुत बर्फ़ है, आई थिंक मुझे अब एक ही ऑप्शन है कि मैं उसको 4x4 में ही चलाऊँ या तो। गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है, वो एक परेशानी है अभी। ये बिल्कुल फ्रेश स्नो है मैं आपको बता दूं क्योंकि ये एक दिन पहले ही पड़ी है, कल नहीं उससे एक दिन पहले मुझे यहाँ के उन्होंने बताया था जो लोकल ढाबे वाले थे। आई थिंक अब 4x4 कंटिन्यूस हाई पे चलानी पड़ेगी, अब 4x2 करने का कोई सेंस बनता नहीं है। स्नो चेंज मैं लाना भूल गया, तो आई एम होपिंग कि मैं बिना स्नो चेंज के आराम से चलता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कहां तक जाऊं अब क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आगे तो अब रोड के ट्रैक्स भी काफी कम दिख रहे हैं यार। चले जा रहा हूं मैं 4x4 में लगा के, बट अब रोड पे जो है ना ट्रैक्स भी नहीं है क्योंकि अब सिर्फ बर्फ ही दिख रही है, तो आगे मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं चोपता तक पहुंच भी पाऊंगा, पता नहीं क्यों। अभी भी 8 किलोमीटर दूर है तुंगनाथ और बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो बहुत ध्यान ध्यान से धीरे धीरे चलना है, कोई भी मतलब बिल्कुल भी जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए ऐसी जगहों पे, और तो गाड़ी फिसलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। कहीं कई जगहों पे रोड्स अच्छी हैं, जैसे अब आपको रोड ठीक दिखेगी तो विच इज़ रियली गुड एंड आई होप, क्योंकि मुझे तुंगनाथ पहुँचना है और मेरे को ऊपर जाना है और वहाँ से ट्रैकिंग करनी है, बर्फ में ही ट्रैकिंग होगी आई एम श्योर।
क्योंकि यहाँ इतनी बर्फ है तो आगे, ओ माय गॉड, आगे जाना कितना इजी है मुश्किल है आई हैव नो क्लू। अब मैं आपको सही बताऊँ, मुझे लग रहा है मुझे कहीं रुक के टायर प्रेशर कम कर लेना चाहिए गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी जो है स्लिप कर रही है। गाड़ी का यहाँ रास्ता ठीक है तो वापस यहाँ पे लगेगा हमारा 4x2। तो ये है अपनी गाड़ी, अभी खड़ी भी है प्रॉपर बर्फ में, और बिलीव मी यहाँ तक आते आते बहुत डिफिकल्टी हुई थी मुझे, क्योंकि पहले मैं 4x2 में चला रहा था, बट जब मैंने 4x4 में गाड़ी को कर दिया स्विच तो इट वॉज अ पीस ऑफ केक। बस ये है कि आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, बिकॉज यू नो स्लिप हो सकती है गाड़ी, मेरे हाथ कांप रहे हैं यार वीडियो बनाते हुए, इट्स वेरी वेरी चिलिंग हियर। तो ये सीन हो जाता है अगर 4x4 गाड़ी नहीं है ना, तो यार ऐसे आप फंस सकते हो। अब ये फंस गए हैं, ये आ तो गए हैं, मैं इनको बोल रहा हूँ टायर प्रेशर कम कर लो, वही एक ऑप्शन है इनके पास, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए सीरियसली। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर मेरी 4x4 गाड़ी नहीं होती तो मैं किसी भी कंडीशन में गाड़ी लेके नहीं आता, किसी भी कंडीशन में। तो स्ट्रगल तो बहुत है, और अभी इन्हें नीचे जाना है, इनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, सीरियसली बोल रहा हूँ। और यहाँ से अब तुंगनाथ मंदिर जाना है हमें, जो है यहाँ से ऊपर की तरफ। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, एंड बिलीव मी मैं यहाँ सितंबर में आया था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो क्या ही बर्फ़ थी, कुछ नहीं था। और बट अभी का अगर मैं आपको बताऊँ तो चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, मेरे हाथ लिटरली मेरे हैंड्स जो हैं फ्रीज हो रखे हैं। यहाँ से आगे भी बहुत अच्छी बर्फ़ है, अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए और जाते हुए जहाँ हमें जाना है, कौन सी जगह ट्रैकिंग करनी है, 4 किलोमीटर तुंगनाथ महादेव मंदिर, तो वो जो है जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं से आगे बढ़ना है, और वहाँ पर ही है अपना जो ट्रैकिंग का रास्ता है। ऊपर भी बहुत बर्फ़ मिलेगी जगह जगह, टेम्परेचर अभी का -1,
रास्ता तो मैंने आपको आगे बता ही दिया है कि यहाँ से आगे ऊपर जा रहे हैं। ग्लव्स ले लिए हैं क्योंकि विदाउट ग्लव्स तो हालत ख़राब हो जाएगी बहुत भयंकर वाली। तो बस अब बढ़ रहे हैं थोड़ी देर में ऊपर। भोलेनाथ जी के यहाँ